नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी, जो कि एकदम आसान तरीके से और एकदम कम चीजों में, तरीका भी नया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। तो उसके लिए हमने आधा किलो करेला लिया है और उतना ही हमने प्याज लिया है। थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन प्याज इसमें करेले में ज्यादा पड़ता है, तो हमने दोनों के बराबर ही प्याज ले लिया है। करेला और प्याज दोनों बराबर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, हम आप लोग को करेले की नई तरीके की सब्जी भुजिया बना के दिखाते हैं। चलिए गैस की तरफ चलते। तो देख सकते हैं हमने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम ये दो हरी मिर्ची ली हूँ, उसको मैंने बीच से काट ऐसे फाड़ दिया है, ऐसे हम डाल देंगे। कई लोग नहीं डालते हैं करेले में मिर्ची, तो अब डाल सकते हैं, अच्छा लगता है डालने में, कोई वो नहीं है। उसका कड़वापन भी कम हो जाता है करेले का। तो आप हमारे तरीके से करेले की सब्जी बनाइएगा, कड़वा नहीं लगेगा बिल्कुल, बच्चे भी आराम से खाते हैं, कई बच्चे नहीं खाते हैं। तो बहुत लोग ना करेले की सब्जी में पहले प्याज भूनते हैं, तो प्याज नहीं भूनना चाहिए, यही गलती करते हैं। हमारे तरीके से सब्जी बनाइएगा, कड़वा नहीं लगेगा बिल्कुल सब्जी करेले की। तो पहले हम करेला भूनेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको हम 5 से 7 मिनट तक करेले को अच्छे से भूनेंगे चला चला के। तो देख सकते हैं हम इसको 5 मिनट भून लिए हैं। 2 मिनट और भूनेंगे। तो देख सकते हैं 2 मिनट हमने भून लिया। अब हम प्याज डाल देंगे इसमें। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देंगे, बिल्कुल कम भी नहीं और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, मीडियम करके हम इसको ढक देंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको ढके थे, अब इसको हम चला लेते हैं। इसको अच्छे से चला के हम फिर इसको ढक देंगे। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक फिर से ढक देंगे। तो देख सकते हैं 2 मिनट हमने और भून लिया था। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देना, और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1/2 से थोड़ा सा कम लाल मिर्ची डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मिक्स करके हम ढक देते हैं। सब्जी इस तरह से आप बनाइएगा, ऐसे बहुत अच्छी लगती है सब्जी और कड़वी बिल्कुल नहीं लगती। जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे मांग मांग के। तो देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छे से भुना गई है। इसको हम और लाल करेंगे। अब इसको ढकना नहीं है, इसको खुले अपना गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसको अच्छे से भूनना है। आप जितना इसको भूनेंगे इतना इसका कड़वाहट कम होएगा, कड़वापन। तो करेले की सब्जी बहुत फायदा करती है, फायदेमंद है। शुगर वाले लोग बहुत इसको खाते हैं, उनको डॉक्टर बताते हैं खाने के लिए। और आजकल के ज़माने में जो बीमारियां दुनिया भर की चल रही है, तो उसके हिसाब से तो सारी सब्जियां मीठी मीठी सी हो जाती हैं। वैसे करेले की सब्जी तो ज़रूर खानी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर। तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा और इस तरह जरूर बनाइएगा। एक बार बना के खा के फिर देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे तरह से सब्जी बनाए तो कड़वापन कम हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। तो देख सकते हैं सब्जी हमारी हो गई है, अच्छे से भुना गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं
और आप लोग को सर्व करके दिखाते हैं। आप लोग को बहुत काली काली दिख रही होगी कैमरे में, लेकिन एकदम अच्छे से भुनाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोग को हम सर्व करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं सब्जी हमारी बन के रेडी हो गई है, और हम इसको परोठे के साथ खाएंगे। रोटी परोठे और दाल चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगती है। कड़वाहट तो इसका एकदम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को करेले की सब्जी जरूर खिलाइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह से बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और बनाइएगा जरूर हमारे कहने पर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।